हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, काफ़ी दिनों से रूम पे बैठ के वीडियो बना रहा था, आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा था स्टूडेंट के बारे में, तो मैंने सोचा चलो निकलते हैं आज रूम के बाहर और आपको जो यहाँ का नाइट व्यू है, सिंगापुर का नाइट व्यू है, वो अब मैं आप लोगों से रूबरू यहाँ दिखाता हूँ कि सिंगापुर नाइट में कैसा लगता है। एक्चुअली ये जो जगह है ये निकोल हाईवे बोलते हैं और हवा चल रही है, देख लो यार यहाँ पे गर्मी पड़ती है और हवा बहुत तेज चल रही है। समुंदर ये जाके मिलता है समुंदर में, ये कोंडो, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कोंडो बने हैं सिंगापुर में। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सिंगापुर नाइट में कैसा लगता है और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगा, मुझे जाके वहाँ पर फॉलो और लाइक भी कर सकते हैं। तो बस ये वीडियो थी कि मैं आपको सिंगापुर नाइट मैं दिखाता हूँ कि कैसा लगता है, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी स्टडी टॉपिक पे नहीं है गाइस। तो वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। बात कहूँ आप लोगों से कि सिंगापुर जो है ना नाइट में बहुत अच्छा लगता है यार। ये कहते हैं कि वर्ल्ड की जो सेकंड ब्यूटीफुल में आता है, आई थिंक अब जब आप इसको आके देखेंगे अपनी आंखों से तो बहुत ही खूबसूरत है यार ये। और ये जो आज मैं जहाँ पे आया हूँ, ये निकोल हाईवे के पास एक रनिंग टाइप बना हुआ, मतलब रनिंग रोड है, यहाँ पे लोग रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो मैं वहीं पर आया था, लोग यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं एक्चुअली, और ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस एरिया के आसपास रहते हो तो रोज़ शाम को आएँ, जॉगिंग करें, माइंड फ्रेश करें, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यार यहाँ पे। सारे दोस्तों, ये सिंगापुर फ्लायर है यार, बहुत अच्छा है और देखो लाइटिंग चल रही है इसमें नाइट में, बहुत ही खूबसूरत है। अभी ओपन हो चुका है और चल भी रहा है। इसका जो प्राइस है अराउंड $30 या $25 पर पर्सन है, आप इसमें आके अपना जो है एंजॉय कर सकते हैं। और इसके इधर MBS यानी कि मरीना बे सैंड लेके चलता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ वहाँ से भी। ये सिंगापुर फ्लायर है गाइस, तो गाइस देखा बोर्ड, अभी जो मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ था साइनिंग बोर्ड कि यहाँ पे फिशिंग करना अलाउ नहीं है, अगर आप फिशिंग करते पकड़े गए तो $3,000 का फाइन है, यानी कि $3,000 का फाइन है। अगर आप उसको इंडिया में कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये बैठता है मछली पकड़ने के लिए। अगर आप मछली पकड़ते हुए पकड़े गए तो 1.5 लाख रुपये फाइन देना पड़ेगा, नहीं तो जेल भी हो सकती है। तो ये है सिंगापुर का रूल गाइस यार, ऐसे बहुत सारे रूल हैं यहाँ पे। कि अभी जैसे मास्क मेरे हाथ में, तो ये तो रनिंग करने के लिए बना है तो यहाँ पे हम उतार सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप इसको सिटी में या कहीं भी उतार कर चलते हैं तो $300 का फ़ाइन है ऑलमोस्ट, यानी कि ₹15,000 का फ़ाइन है अगर आप मास्क यूज़ नहीं करते हैं। आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि यार मुझसे जो है ना, मुझसे ये लोग बहुत पूछते हैं, पूछना भी चाहिए गाइज यार, जब आप एक कंट्री छोड़कर, अपनी कंट्री, होम कंट्री छोड़कर जब दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो पूछना भी चाहिए। तो मुझसे ये पूछते हैं कि यार भाई मैं सिंगापुर आ रहा हूँ यार, मेरे
नेबर्स हैं मेरे जानने वाले, वो सिंगापुर से रिटर्न आए थे वापस, वो बोल रहे हैं कि सिंगापुर अच्छे कंट्री नहीं है, इसकी बुराई करते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है। यार तो मैं ये कहूँगा कि ये सिंगापुर अच्छी कंट्री है यार, आप किसी के मत सुनो, ठीक है? पैसे आप लगा रहे हो, पैसे आपके पापा लगा रहे हैं, ठीक है? आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, ना कि वो दोस्त, वो आया था वो उसकी किस्मत में क्या लिखा था वो उसको छोड़ दो, बट आप आओ, आपको डिसाइड करना करना क्या है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे 4 साल हो गए, 4 साल 2-3 महीने होने वाले हैं, 3रा महीना होने वाला है, मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सिंगापुर यार। जो भी चीज़ें जरूरत की चीज़ें होती ना, मैं यही सिंगापुर ने दिया यार। आप मेरी वीडियोज़ पर जाके देखोगे जो मेरा रहन सहन का ये सब है, ये सिंगापुर ने दिया यार। इंडिया में मैं मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, कैन नॉट अफोर्ड यार, बिकॉज यू नो मैं iPhone 12 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बताया था वीडियो में, मैं सिंगापुर ने दिया है मेरे को, मैं इंडिया में लेकर इतना महंगा फ़ोन 1,40,000 का नहीं ले पाता। तो गाइस यार सिंगापुर बहुत अच्छी कंट्री है, पढ़ने के लिए भी अच्छी कंट्री है, यहाँ पे सब कुछ है जो आपको चाहिए, यहाँ पे सब कुछ है, लाइक मनी भी है, जॉब भी है, आपको बस एक अच्छे टाइम का वेट करना चाहिए कि जब अच्छा टाइम आएगा ऑफकोर्स आपको सब कुछ मिलेगा, जॉब भी मिलेगी, पैसा भी होगा, सब कुछ होता है गाइस यार। तो यार अगर मैं आप लोग से कहूँ, अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर सिंगापुर बेकार कंट्री है, अरे मैं छोड़ो यार, आप आओ अपनी आँखों से देखो वो यहाँ पे क्या करके गया है, डजंट मैटर, आप आओ, आप अपने लिए आ रहे हो, अपनी फैमिली के लिए आ रहे हो, तो आइए यार गाइस इंजॉय करिए। देखो यार ये मैं, ये एक मरीना बे सैंड के पास पड़ता है, ये MBS है और MBS के पास ही जगह पड़ता है, तो मैं यहाँ पे आता और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे अपने फ़ोन के बैक कैमरे से थोड़ा यहाँ का नज़र दिखाता हूँ नाइट में कैसा लगता है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई कैसा लगा फिर बताओ यार, अगर अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। और गाइस यार जब भी आप लोग इंटरनेट पर सर्च करते होंगे सिंगापुर के बारे में, ऑफकोर्स आप लोग यहाँ सर्च करते होंगे, आने से पहले यूट्यूब पे भी सर्च करते होंगे, यहाँ तक कि गूगल पे भी सर्च करते होंगे सिंगापुर है कैसा, तो सिंगापुर यही है यार। ये जो है ना रात को यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, आप यहाँ पर 24 आवर किसी समय भी आ सकते हैं। मैं सजेशन दूंगा आप लोगों की नाइट में आए, क्योंकि नाइट में ठंडा मौसम रहता है, गर्मी में बहुत गर्म रहता है क्योंकि यहाँ पर कोई छावनी वगैरह नहीं है, तो जैसे कि सन जो है सूरज है वो सीधे लाइट उसकी पड़ती है, तो नाइट में आए, अपने दोस्त के साथ आए, ग्रुप में अकेले आए, आकर यहाँ पे मज़ा लें, यहाँ पे लोग ज़्यादातर आपको रनिंग करते हुए दिखेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते होंगे इस जगह के बारे में, सिंगापुर के बारे में, तो इस तरफ लायन यानी कि जो शेर है उसकी, उसका स्टेचू बना हुआ है, मूर्ति उसके लिए स्टेचू बना रखा है लायन शेर का, तो उसके मुँह से जो है ना पानी निकलता है। ये यहाँ आप लोगों ने बहुत ढूंढा होगा, सर्च किया होगा, जहाँ देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में और गूगल पे। अभी क्या है कि नाइट में उसको बंद कर दिया है, क्योंकि वो जो जगह है ना उन्होंने बंद कर रखी, क्योंकि अभी जो कोविड चल रहा है इस चक्कर में, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्राउड होता है लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए बहुत क्राउड होता है, इस चक्कर में उसको बंद कर रखा है। जब कभी चालू होगा मैं आपको लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा। और ये MBS है, मरीना बे सैंड, और वो रहा एप्पल का वॉच, जो हाँ ये रहा एप्पल का वॉच, आपके भाई ने जो ये फ़ोन है वहीं से लिया था। तो गाइज़ ये, और मैं चलता हूँ, मैं और दिखाता हूँ भी आपको जहाँ पे मैं रहता हूँ, आपके आपको मैं अपने टॉप फ्लोर से भी दिखाता हूँ सिंगापुर नाइट में कैसा लगता है गाइज़, तो वीडियो पे बने रहें। फाइनली गाइस यार मैं अपने घर आ चुका था, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं आ चुका था, वहाँ से आपको मैं सिंगापुर दिखाता हूँ कि सिंगापुर यहाँ से कैसा लगता है टॉप फ्लोर से नाइट में यार। एक्चुअली मैंने अभी आपको मरीना बे सैंड और वहाँ से थोड़ा वॉक अराउंड करके दिखाया, अब मैं आपको अपने घर से दिखाता हूँ कि सिंगापुर लगता कैसे है ऊपर से। तो गाइस यार सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक आप बने हो और नए हो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, मैं आपको सिंगापुर दिखाता हूँ।
भाई लोग कैसा लगा यार? आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये नज़ारा देखकर, नाइट का नज़ारा देखकर। एक्चुअली यार 25 फ्लोर की बिल्डिंग है तो मैं ऊपर आया था। अगर मैं उस पर जाऊँ और ऊँचे तो आई थिंक वहाँ से भी और अच्छा दिखेगा सिंगापुर। मैं ट्राई करूँगा कभी इन फ्यूचर अगर मुझे जाने का मौका मिला। बस सिंगापुर बहुत अच्छी कंट्री है, देखो मैंने फिर बताया वो कितनी खूबसूरत है। नज़ारा देखो यार, क्लीनिंग लाइटिंग वगैरह देख लो। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नाइट का जो नज़ारा है वो सिंगापुर आपको अच्छा लगा होगा। और आप भी आइए, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं सिंगापुर आने के लिए तो आइए, ऑफकोर्स आइए। तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें गाइज़।